जेपीजी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है सुपर 30 की नेक्स्ट सीरीज, जिसमें यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, यूपीएसआई, लेखपाल जैसी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ऐसे सवालों का समावेश किया गया है जिसे पूछे जाने की चांसेस ज्यादा हैं। आप ध्यानपूर्वक इस सेशन को सुने और इन सवालों को एक अपने फेयर कॉपी पे नोट करें। ये किसी भी तरह की ऐसी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होंगे जिसमें जीएस जीके पूछा जाएगा। शुरू करते हैं आज का ये पहला सवाल। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, यानी नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है। हालांकि आप जानते हैं पृथ्वी भी एक ग्रह है, अर्थ इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्लेनेट, और सूर्य की परिक्रमा करने वाले जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं उनको प्लेनेट कहा जाता है। अब पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम प्लेनेट कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट जो प्लेनेट है वो है वीनस। कौन सा? शुक्र। और शुक्र और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का दूसरा निकटतम जो ग्रह है, सेकेंड नियरेस्ट जो प्लेनेट है वो है मार्स, मंगल, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 करोड़ किलोमीटर है। दिए गए क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रियम्बल, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना या उद्देशिका या इसी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संविधान सभा 22 जनवरी 1947 के दिन इसे पास कर दिया। और इस प्रकार यही वही जो है उद्देश्य प्रस्ताव, वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अब भारतीय संविधान की प्रियम्बल कहलाती है, प्रस्तावना कहलाती है। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाषा कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। इसका विचार कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 है, यानी अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोको हरम आतंकवादी संगठन है, ये किस देश से संबंधित है? जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप बोको हरम किस देश से संबंधित है, तो आप जानते हैं नाइजीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा देश है, और बोको हरम यहीं का एक टेररिस्ट ग्रुप है, एक आतंकवादी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, कभी भी गुलाम नहीं रहा था, ये क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति सीरियल में देश के महानायक अमिताभ बच्चन जी के द्वारा पूछा भी गया था। वैसे मैं बता दूं कि भारत में सबसे पहले यूरोपियों में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, पुर्तगाल देश के लोग आए और 1510 ईस्वी में आदिल यूसुफ शाह को पराजित करके गोवा पर कब्जा कर लिया। गोवा को कब कब्जा कर लिया, 1510 में, यानी 1510 में, और 1510 से लेकर के 1961 तक, यानी आजादी के 14 वर्ष बाद तक गोवा पर पुर्तगालियों का ही अधिकार रहा था। भारतीय सेना के द्वारा बकायदे इसके खिलाफ जो है ऑपरेशन चलाया गया और गोवा को
अंततोगत्वा 1961 में भारत का हिस्सा बनाया गया। तो गोवा हमेशा से पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था, गोवा पर अंग्रेजों का जो है कभी आधिपत्य हुआ ही नहीं। चौथे का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? जी हाँ, प्रिंटिंग में जो इंक प्रयोग की जाती है, यूज की जाती है, वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्रिंटिंग में यूज की जाने वाली इंक कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है। क्या होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। किससे प्राप्त की जाती है? तो मीथेन और क्लोरीन के रिएक्शन से इसे प्राप्त किया जाता है। लेकिन ऑप्शन में पूछ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये किससे प्राप्त की जाती है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो मीथेन से प्राप्त की जाती है, मीथेन और क्लोरीन से। चूंकि क्लोरीन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी मीथेन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन नैनो ट्यूब जग जाहिर है किसने बनाया? इस टेक्नोलॉजी को सुमियो आईजीएन के द्वारा जो है बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं? यानी विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप? बिग बैंग थियरी के अनुसार इस यूनिवर्स में सबसे पहले आइसोटोप वन एच वन का आगमन होता है, जिसे प्रोटियम कहा गया। और यहां पूछा जा रहा है आपसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप किस एलिमेंट के हैं, किस तत्व के हैं? तो पोलोनियम के हैं। पोलोनियम जिसके जो है टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप 42 है। सातवें का ऑप्शन ए सही है। और जो 42 हैं, सब के सब जो है रेडियो एक्टिव हैं। रेडियोधर्मी ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कंटिन्यूअस अल्फा बीटा गामा जैसी रेज यानी तरंगों का उत्सर्जन करते हैं, उनको जो है रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी कहा जाता है। सातवें का ऑप्शन ए सही है। आठवां क्वेश्चन, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापने के लिए उपयुक्त होता है, तो वह थर्मामीटर जो मोर देन 2000 टेम्परेचर को मेजर करता है, उसे हम पायरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोमीटर, जो कंप्लीट रेडिएशन पूर्ण विकिरण के सिद्धांत पर काम करता है। आठवें का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारमूडा की राजधानी है, बारमूडा जो कि कैरिबियाई एक कंट्री है, बारमूडा ट्रायंगल के वजह से जो है बारमूडा शब्द जो है काफी फेमस है। बारमूडा एक देश भी है और बारमूडा की राजधानी है हैमिल्टन, जिसकी करेंसी है डॉलर। नवे का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल जस्टिस डे प्रतिवर्ष 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 17 जुलाई को। नेक्स्ट, पूसा क्रांति किस फसल से संबंधित है? पूसा क्रांति का संबंध जो है ब्रिंजल यानी जो है बैगन के पैदावार को बढ़ाने से है। वैसे पूसा क्रांति बैगन की एक जो आप कह सकते हो कि किस्म भी है, इसकी एक प्रजाति भी है। 11 का ऑप्शन ए सही है। 12th, 12वां क्वेश्चन, मणिकर्ण झील जो कि हिंदू धर्म के लोगों का एक आस्था का स्थल भी है, ये तीर्थ स्थल भी है, जो ब्यास और पार्वती नदी के बीच में हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 12वें का ऑप्शन ए सही है। डांगी और डेपक लोक नृत्य किस राज्य की है? डांगी और डेपक लोक नृत्य, ये लोक नृत्य भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कहां से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, जो कि वहां की महिलाओं के द्वारा जो है इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका प्राचीन भारत में वैदिक काल में वैसे तो स्वर्ण आभूषण और सोने के सिक्के दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ऑप्शन में जो है स्वर्ण आभूषण जो गोल्डन ज्वेलरी दे रखा है, उसी को प्राचीन भारत में निशाका के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? निशाका के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम, क्षमा करेंगे, द्वार समुद्रम शब्द है। होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम क्या है? होयसल वंश
जैसा कि आप जानते हैं इसकी पहली राजधानी जो है बेंगलुरु थी, बाद में पहली राजधानी नेक्स्ट होयसाल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम क्या है? सॉरी फॉर दैट, ये शब्द द्वार समुद्रम है। द्वार समुद्रम जो कि होयसाल वंश के राजाओं की राजधानी थी, उससे पहले होयसल वंश के राजाओं की राजधानी बेलूर थी, बेलूर उसके बाद जो है द्वार समुद्रम होगी, और वर्तमान समय में द्वार समुद्रम को हेलबिड के नाम से जाना जाता है। 15वें का ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? आप जानते हैं 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चलाया गया था, और उस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का जो है, खास करके जो है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और उसकी होली जलाई गई। महात्मा गांधी के आह्वान पर लोगों ने चरखा चला करके स्वदेशी वस्त्र बनाए और विदेशी कपड़ों को आग के हवाले कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर के उस समय के प्रथम एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, जिनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को पत्र लिखा और इसे निष्ठुर बर्बादी कहा। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए 1913 में 1913 में पुरस्कृत किया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी 16वें का ऑप्शन बी सही है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि भी महात्मा गांधी ने दिया था और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। बहरहाल क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचंड बेरोजगारी जिसे कि अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है और ये इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयमेंट किसकी विशेषता है? तो भारत की जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, ये प्रचंड बेरोजगारी की जो है सबसे बड़ी विशेषता है, और यहाँ पर जो अदृश्य बेरोजगारी है कहीं ना कहीं जो है एग्रीकल्चर से, कृषि से संबंधित है। 17वें का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक शाखा किस विदेशी बैंक की है? कौन सा ऐसा फॉरेन बैंक है जिसकी जो है सबसे अधिक शाखा है? तो आपको बता दें कि भारत में चार्टर्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो कि ब्रिटेन का एक बैंक है और इसकी सबसे अधिक शाखाएं हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की सबसे अधिक भारत में शाखा है। 18वें का ऑप्शन ए सही है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ब्रिटेन का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो NIIT के द्वारा जो है कंप्यूटर साक्षरता की जो है शुरुआत की गई थी और कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। वैसे कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पिंक सारथी वाहन किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? वीमेन सेफ्टी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कर्नाटक सरकार के द्वारा पिंक सारथी वाहन यानी पिंक सारथी व्हीकल्स शुरू किया गया है। 20वें का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, कर्नाटक की पहली सौर ऊर्जा संचालित ग्राम पंचायत कौन सी है? सौर ऊर्जा से संचालित कर्नाटक ही नहीं, भारत की जो है ये काफी चर्चा में रही ग्राम पंचायत जिसका नाम जो है उमसे बैलू है। क्या है? उमसे बैलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ठंडा स्थान है? भारत में सबसे ठंडा स्थान कहाँ
कश्मीर में कारगिल जिला में स्थित द्रास। द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है जिसका टेम्परेचर -40 डिग्री टेम्परेचर के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड का देश कहा जाता है, किस देश को जो है पिरामिड का देश कहा जाता है? मिस्र को। मिस्र को पिरामिडों का देश कहा जाता है। इजिप्ट इज द कंट्री ऑफ पिरामिड। यानी 24वें का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजनी नायडू की बेटी पद्मा नायडू किस राज्य की राज्यपाल थी? जी हाँ, सरोजनी नायडू जो कि भारत की एक स्वतंत्रता सेनानी थी और आप एक प्रखर कवित्री भी थी। सेकेंड राउंड टेबल समिट, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसका आयोजन लंदन में सेंट जॉर्ज पैलेस में हुआ था, उसमें हिस्सा लेने वाली आप पहली भारतीय महिला थी। सरोजनी नायडू जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली भी पहली भारतीय महिला थी, आपकी बेटी थी पद्मा नायडू जो कि पश्चिम बंगाल की पहली जो है महिला राज्यपाल थी। स्वयं सरोजनी नायडू जी भारत की पहली विमेन गवर्नर, पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की थी, और उनकी बेटी पद्मा नायडू किस राज्य से? पश्चिम बंगाल की जो है पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचनंदा पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? जी हाँ, पंचनंदा पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश का जिला है इटावा, और इटावा में पांच नदियों का मिलन स्थल है इटावा, जिसमें प्रमुख रूप से चंबल यमुना जैसी नदियां हैं, और इस पंचनंदा पर्यटन स्थल को वर्तमान सरकार के द्वारा एक पिकनिक स्पॉट के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में अब डेवलप किया जा रहा है। ये कहां पर है? इटावा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले कहां थी? जी हां, उत्तर प्रदेश जिसे कि कभी संयुक्त प्रांत के नाम से जो है जाना गया था, और उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान समय में तो लखनऊ है, जग जाहिर है। लखनऊ को कभी लक्ष्मणपुर कहा जाता था, लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी फैजाबाद थी। कहां थी? फैजाबाद। फैजाबाद को अब किस नाम से जाना जाता है? अयोध्या के नाम से जाना जाता है। और फैजाबाद से उत्तर प्रदेश की राजधानी 1775 में अस्फुद्दौला के द्वारा जो है स्थानांतरित की गई। अस्फुद्दौला शुजाउद्दौला का बेटा था, शुजाउद्दौला जिसने कि बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिश आर्मी विजय श्री प्राप्त करने में जो है कामयाब रही थी, और बक्सर युद्ध के बाद ही भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ था। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी सही है, फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड फ्लैग युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास क्वेश्चन नंबर 28, रेड फ्लैग युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो आप जानते हैं बदलते हुए परिवेश में अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा शुभचिंतकों में से एक बनकर के उभरा है, और रेड फ्लैग युद्धाभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। किसके बीच जो है संपन्न होता है? भारत और अमेरिका के बीच रेड फ्लैग युद्धाभ्यास आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? जी हाँ, सबसे पहले इनकम टैक्स लगाने की प्रथा भारत में किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सबसे पहले 24 जुलाई 1860 को भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत जॉन विल्सन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जॉन विल्सन के द्वारा। उन लोगों पर टैक्स लगाया गया जिनकी ईयरली यानी वार्षिक जो इनकम थी 500 रुपये या उससे अधिक थी, उनको जो है टैक्स देना शुरू किया गया। और तब से जो है वो सिलसिला शुरू हुआ, अब जेम्स विल्सन से शुरू हुआ था, अब तो आकर के जीएसटी तक पहुँच गया है। 29वें का ऑप्शन सी सही है। कौन सा जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेडलाइन के बिल्कुल पैरेलल है, समानांतर है? तो बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल डमरू मध्य जो कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है? तो 180 अंश देशांतर को, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज इंटरनेशनल डेडलाइन। 180 अंश
देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है और ये बेरिंग की जल संधि के बिल्कुल पैरेलल है, समानांतर है। 30वें का ऑप्शन बी सही है। और बढ़ते हैं बेस्ट फीचर ऑफ द सेशन क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप खुद हमें बताते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप। नेक्स्ट बेस्ट फीचर ऑफ दिस सेशन क्वेश्चन ऑफ द डे, ये वह सेशन है जिसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा जिसमें ये सवाल पूछा गया था कि एकता स्थल किसका समाधि स्थल है, आपको कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बताना है। पिछला जो सुपर 30 सीरीज मैंने जारी किया था, हालांकि जो है बहुत पहले वो सीरीज जारी किया था, समय के अभाव में मैं पर डे वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं, लेकिन नया वर्ष नव वर्ष 2020 में मैंने ये रेजोल्यूशन लिया है कि आप लोगों को जो है प्रतिदिन वीडियो उपलब्ध कराऊंगा और उसके लिए चाहे मुझको कितना भी मेहनत क्यों न करना पड़े, आप अपना सहयोग और स्नेह यूं ही बनाए रखें। अभय घाट किसका समाधि स्थल है, अभय घाट किसका समाधि स्थल है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी जो है इसको टाइप करके बताया है कि अभय घाट किसका समाधि स्थल है, मुरारजी देसाई का। किसका? मुरारजी देसाई, जो कि देश के पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने थे 1978 में। तो ये रहा आज का सेशन। थैंक यू, धन्यवाद।